हरियाणा के जिला करनाल की नई अनाज मंडी के समीप सड़क हादसे में अख्तर नामक व्यक्ति की मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक का शव पोस्टमार्टम रूम में रखवाया गया है। मृतक के गांव वालों ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि अनाज मंडी के समीप पराली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को कोई अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार हो गया। इस हादसे में अख्तर नामक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया है, जिसको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। जानकारी अनुसार मौके पर पहुंचकर सेक्टर 4 चौकी की पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया एवं शव को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में रखवाया। इस हादसे से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि अख्तर के 5 बच्चे हैं। मृतक मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था। हर रोज की तरह इस दिन भी वह ट्रॉली में पराली लेकर कुंडा यूपी की ओर जा रहा था कि रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने धुंध व कोहरे के चलते ट्रॉली को टक्कर मार दी। सूचना पाकर जब मृतक के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो अख्तर बुरी तरह से घायल हो चुका था। ग्रामीणों व परिजनों द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही मृतक के एक पुत्र ने बताया कि गांव इसराना से ट्रैक्टर ट्रॉली में पराली लेकर वह कुंडा यूपी की ओर जा रहा था, तो रास्ते में यह हादसा हो गया। वही सेक्टर 4 की पुलिस चौकी से आए पुलिस अधिकारी ने मृतक के परिजनों के बयान लेकर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। मुस्लिम बिरादरी के नाते मैं मुस्लिम कम्युनिटी का करनाल का प्रधान हूँ, इसलिए आए थे कि हमारे साथ एक्सीडेंट होगा, उस पे जाकर हमारे लिए कुछ थोड़ा ऐसी हेल्प करो जिससे डेड बॉडी हमें मिल जाए। अच्छा। इसीलिए मैं आता भी इनके पास। तो क्या पता लगा कैसे कैसे हुआ है? अभी जो इनके साथ थे वो हमें मिल नहीं पाए, उनसे पूछ के पूरी तफ्तीश करेंगे अभी क्या मामला होया। ट्राली का ट्रैक्टर ट्राली थी उस पर थे ये। अच्छा। पीछे से टक्कर ट्रक ने मारी, किस चीज़ ने मारी उसका मैं भी पूरा कन्फर्म नहीं। तो किसकी डेथ हुई? ये अख्तर है, घायल भी है। एक घायल है। क्या उम्र थी इसकी? तकरीबन 45 साल। तो क्या कार्रवाई की जा रही है अभी? बस जनाब आए हैं, बयान भी लिख रहे हैं, देख रहे हैं। पोस्टमार्टम होगा आज? जी जी पोस्टमार्टम। एक पुराली का ट्रैक्टर आ रहा था, उसमें था ये हमारा चचा है, एक्सीडेंट होया। ये नहीं पता किस चीज़ से एक्सीडेंट होया, हमें नहीं पता। हमारे पे तो सूचना गई आर्य साहब सुबह। मैं बता दूँ सारा, लिख भाई नाम अपना। अच्छा, मैं जी सनवर है जी मेरा नाम। तो जैसा हमारे पास सूचना गई तो फिर हम आए जी, हाँ सुबह आया यूपी से आ रहे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन। World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.